हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज बाय नेहा। आज मैं फिर बनाने वाली हूँ आपके साथ ऑफिस लंच बॉक्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ चावल को भिगा देती हूँ, जिससे जो चावल है वो बहुत ही अच्छे खिले खिले बने। तो आज मैं बनाऊँगी पुलाव। तो ये जो पुलाव है ये मैं बचपन से खाते आ रही हूँ, पीस का पुलाव। सिर्फ गर्म मसाले के साथ बनाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही मैं कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी मेथी की सब्ज़ी। तो आप सोचेंगे मेथी की सब्ज़ी में डिफरेंट क्या है। तो आज मैं जो मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ये मैं पनीर के साथ बनाने वाली हूँ। तो आप इसको आराम से लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है ना कि आप दो रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे। तो ये मैंने मेथी को पहले ही छांट के रख लिया था, एक रात पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह का काम जो होता है वो लेट होता है। और दो गाजर भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा गाजर मटर की एक सब्ज़ी हमारे साइड बनाते हैं एमपी में, ये बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने सोचा उसको भी बना लेंगे, क्योंकि गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो फटाफट से बच जाएगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ियों को धो के पहले कट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है, और जो मेथी थी उसको भी धो के मैंने साइड में रख दिया है, जिससे उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ मैं गाजर को भी चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले मेथी को रफली चॉप कर लूँगी इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि हम इसको पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये श्रिंक हो जाती है थोड़ा। तो अब इसको रफली चॉप कर लें। तो मेथी अब कट गई है, और चलिए अब हम इसके लिए सब्ज़ी बनाते हैं। और यहाँ आज मैं कुकिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ एवियास के बर्तन। तो ये जो कढ़ाई है ये स्टेनलेस स्टील की है, इसमें बना हुआ खाना जलता भी नहीं है, लेस ऑयल में भी बनता है, और सबसे बड़ी बात इसको क्लीन करना बहुत आसान है। मैं जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ उन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। यह मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ पहले एक चम्मच जितना तेल। तेल गर्म होने पर इसमें मैं डालूँगी पनीर। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, और इस तरह से मैंने इसको डाइस में कट करके फ्राई कर लिया है। और इस तरह से हम इसको निकालेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो कढ़ाई में ही रहने देंगे। और इसी बचे हुए ऑयल में हम मेथी को डाल देंगे। इस तरह से मेथी कुक करने से इसके अंदर जो हल्की सी कड़वाहट रहती है वो निकल जाती है, और बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और स्लो फ्लेम पर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ मेथी को हमें ओवर कुक नहीं करना है, आप 1 से 2 मिनट पकाएंगे और देखेंगे कि श्रिंक हो गई है और कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो आप इसको निकाल लें। और सेम कढ़ाई में यहाँ मैं डाल लूँ 2 चम्मच जितना तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले। तो मैं यहाँ डाल लूँ थोड़ा तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, काली इलायची और कुछ काली मिर्च। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ मैंने प्याज के साथ अदरक और लहसुन भी डाल दिया है। तो आप एक प्याज ले लें, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक, और उसको पील करके आप उसको भी रफली चॉप कर लें। और यहाँ हमें प्याज को स्लो फ्लेम पर सौते करना है। और साथ साथ मैंने डाले 6 से 7 काजू, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। तो प्याज को यहाँ हमें स्लाइटली गोल्डन होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो आप देखेंगे प्याज जो है वो कलर चेंज करने लगी है। इसी स्टेज पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था, तो मैंने एक ही टमाटर लिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और अच्छे से हम इसको पकाएंगे। तो आपको टमाटर को एकदम मशी कर लेना है, मतलब टमाटर जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से गल जाए, इसलिए मैं इसको ढककर पका रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। और चेक कर लेते हैं, तो टमाटर जो है बढ़िया से गल गए हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसमें हमने जो तेज़पत्ता डाला था उसे हम निकाल लेंगे, और पूरा मसाला जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम पुलाव बनाएंगे। और यहाँ मैं जो कुकर है वो भी एवियास का यूज़ कर रही हूँ, इनका स्टेनलेस स्टील का जो कुकर है ये प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो चलिए अब हम इसमें पुलाव बनाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और कुकर में मैं डालूँगी 2 चम्मच जितना देसी घी। तो आप चाहें तो उसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन पुलाव मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेटर टेस्ट के लिए आप घी में बनाएं। और घी जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी कुछ काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, और इसके साथ ही आप इसमें डालें 1 चम्मच जीरा। और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ प्याज जो है मैंने मोटा मोटा ही काटा था, और साथ साथ हमने आधे कटोरी इसमें मटर भी डाल देने हैं। और प्याज और मटर को यहाँ हमें बहुत अच्छे से पकाना है, यानी कि आपको जो प्याज है वो स्लाइटली ब्राउन होना चाहिए, और जो मटर है वो भी अच्छे से पक जाने चाहिए। ये जो पुलाव है दोस्तों ये मैं बचपन से खाते आ रही हूँ, और इसे आप अगर ठंडे राइस होते ना, लाइक जैसे आपने सुबह राइस बनाया बच गए, तो आप इस तरह के मसाले में भी आप उनको पका के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे ही प्याज पक जाए तो आप इसमें 1 चम्मच जितना गरम मसाले का पाउडर डाल दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप डालें भिगोए हुए चावल, और चावल के साथ मसाले को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, जिससे चावल है वो टूटे नहीं।
और 1 से 2 मिनट के लिए हम चावल को इस तरह चलाते हुए भून लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो जितने आपने चावल लिया है उसका डबल आपको पानी डाल देना है और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का लिड लगा के आप मीडियम फ्लेम पर दो विसल ले लें। कुकर के विसल आ गए हैं तो उसको मैं साइड में रखूँगी और जो मसाला हमने बनाया था पहले उसको मैंने ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना बटर और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें तेल डाल रही हूँ, कुछ बूंदी डालना तेल की जिससे कि जो बटर है वो जले नहीं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर। फ्लेम को स्लो पर रखेंगे और मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भून लेंगे जिससे जो मसाला है उसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती है। और जैसे ही मसाला भून जाएगा हम ऐड करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो कि बनाया हुआ रखा था और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। तो ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना मेथी की, ये आप बहुत आराम से अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, किसी पार्टी में बना सकते हैं या कभी कुछ अच्छी सब्ज़ी खाने का मन है तभी बना सकते हैं। मसाले को यहाँ स्लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं तो इसे कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए मसाला तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, तो घर में जो मलाई रहती है दूध की बस उसी को निकाल के आपको 2 चम्मच डाल देना है, पर ध्यान रखें फ्रेश ही मलाई डालें, पुरानी रखी हुई मलाई बिल्कुल ना डालें। और यहाँ मैं 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तो ये गुनगुना पानी है। और इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ा थिक रहती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती ये सब्ज़ी, तो देख सकते हैं जैसे मैंने पानी डाला इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और इसी समय इसमें हम डाल देंगे मेथी फ्राई किया हुआ और अच्छे से ग्रेवी के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर। तो यहाँ मैंने मेथी में भी नमक डाला हुआ था और मैंने जो ग्रेवी था उसमें भी नमक डाला हुआ था, तो बहुत थोड़ा सा ही नमक इस समय ऐड करना है। और नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्ज़ी को ढक के पकाना है जिससे सारे जो फ्लेवर्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं। तो जब तक मेरा कुकर ठंडा हुआ है और यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, मीनवाइल मैंने जो हमारी गाजर की सब्ज़ी थी उसको भी बनाकर साइड में रख दिया है और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बढ़िया से फुलके भी बन गए हैं और ये देखिए गाजर मटर की डिलीशियस सब्ज़ी बन के तैयार है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे मेथी मलाई पनीर भी बनके तैयार है और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को अच्छे से हम पहले एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, तो अगर आपको गाढ़ा या पतला जैसा चाहिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से। और देखिए हमारी बहुत ही क्रीमी सी मेथी और पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप ये रेसिपी बस ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि ये आपको ना बहुत पसंद आने वाली है। और फटाफट से बनने वाला पुलाव भी यहाँ रेडी है, मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और आप देख ही सकते हैं जो राइस है वो कितना खिला खिला बना है। खाना जो है वो रेडी हो चुका है, तो चलिए अब जल्दी से हम टिफ़िन लगा लेते हैं। और यहाँ मैंने सबसे पहले फुलकों को पैक कर दिया है और अब हम बाकी रेसिपीज रखेंगे। तो ये रही हमारी डिलीशियस सी सब्ज़ी, आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। और यहाँ टिफ़िन भी मैं जो पैक कर रही हूँ वो भी एवियास का है, पानी की बोतल भी एवियास की है। इनका जो स्टेनलेस स्टील है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने गाजर मटर की सब्ज़ी, पुलाव सब रख दिया है। और ये रहा आज का ऑफिस लंच बॉक्स। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगी बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।